Yes. In last session, what we completed was writing number names of different number. हमें एक साथ number names लिखना आ गया, हमें अलग अलग number names लिखना आ गया. Now what? Now we will match numerals with number names. What is called numerals? कई parents को ये doubt होता है. Every time it is written there, numerals. What is numerals? When we write simple numbers, any numbers, this number is called numeral. Right? And if we will write numbers with their names, it is called number names. Right? हम कई बार numbers और number names में, sorry, हम numbers को जब एक ही line में दो बार use करते हैं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट इज नंबर? इफ आई राइट मैच नंबर्स विद नंबर नेम्स, सो कई बार ड्यू टू द सेम टर्म हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इट इज गुड टू राइट न्यूमरल्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स. इट इज सेम, द मीनिंग इज सेम, बट जस्ट नॉट टू बी कंफ्यूज वी यूज numerals, right? So hope the meaning of numerals is clear to you all. Yes. आपको लगेगा मैम ने ये एक्सरसाइज दिया, ये तो इजी है, मैचिंग ही तो करना है. Yes, but many a time बच्चे इसमें कहां मिस्टेक्स करते हैं. I want to show you that, right? What child is doing? He is not reading the whole spelling. Every time what he is doing is, this, if the spelling is starting, he just write. He just match. He's not reading full spelling. So, due to this, he's making many mistakes. For example, मैंने एक साथ यहां पे दिया है 25, 26, 27, 25, 26, 28, right? तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, 28 का यहां पे पढ़ नहीं रहा है. एक तो ऑलरेडी डिस्टेंस की वजह से कभी कभी लाइंस टेढ़ी चली जाती है. विद दिस ही इज नॉट रीडिंग द फुल स्पेलिंग और उसी वजह से इफ ही इज मैचिंग रॉन्ग, राइट? सो अगर हमें करेक्ट स्पेलिंग आते भी हैं, देन टू अवर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? Yes, so what we want to say is we have to make this habit of reading each and every spelling, right? मैं कई बार ऐसा प्रेफर करती हूं कि जब भी आपको कंफ्यूजन लगे आप हार्ड पार्ट पर जाइए और उससे इजी पर आइए. फॉर एग्जाम्पल नंबर और नंबर नेम्स आइडेंटिफिकेशन में मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल नंबर नेम पार्ट थोड़ा ट्रिकी है कि भाई शायद मैं नंबर नेम्स में अगर मैंने परफेक्टली नहीं पढ़ा तो मैं शायद उसमें मिस्टेक कर सकती हूँ. सो व्हाट आई प्रेफर इज पर्सनली, राइट, दिस इज टू, आई नो दिस, यस आई नो द स्पेलिंग फॉर टू. सो व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर टू? इट्स टी डब्ल्यू ओ टू एंड टी ई एन टेन. यस, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है. So what I prefer is, I prefer to go with the spellings first and then to the numbers. How? I'll show you once. In this, chances of making mistakes will be reduced to certain level, right? For example, it's T E N 10. So I know the number for 10. I know the numeral of 10. So that is 1 0 10. So I can directly match this, right? शायद मैं टू में कंफ्यूज हो जाती तो मैं 10 या 2 टी पढ़ के गलत नंबर नेम मैच करने के चांसेस थे, बट राइट बच्चों को उनके वे से अगर आता है तो ठीक है, नो इश्यूज विद दैट. बट कई बच्चे, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज मेनी किड्स आर नॉट इक्वल टू एवरी वन,
ऑल किड्स आर नॉट स्मार्ट, सम आर मेकिंग मिस्टेक्स, राइट? माय एवरी चाइल्ड स्मार्ट बट टू द डिफरेंट लेवल, राइट? एवरी वन इज स्मार्ट इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स. सो मेनी टाइम मेकिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज यू डिड अ वन, यू डिड अ सो बैड वर्क. यस, हम उनको बहुत बार ऐसा, अरे यार तुझे तो ये भी नहीं आता है. नो, पैशंस, प्लीज पैशंस. मेरा बच्चा अभी सीनियर केजी में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? जब हम सीनियर केजी में थे शायद हम ये नहीं कर पा रहे थे. सो बी वेरी काम विथ इट, राइट? मेरा बच्चा बहुत छोटा है. सो प्लीज मेरे बच्चों से बहुत प्यार से शांति से रहिए, राइट? अब आपको लगा होगा मैम ने उल्टा क्यों लिया. उसके दो रीजन है. एक रीजन मैं आपको समझा चुकी हूं कि कई बार सेम नंबर यूज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड विद दिस वी आर मेकिंग मिस्टेक्स ऑफ मैचिंग नंबर वन नंबर विद अनदर नंबर नेम. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. एंड द सेकेंड इज बच्चे शुरू एक नंबर से करते हैं, ढूंढते ढूंढते जाते दूसरे नंबर पे है, फिर उनको लगता है अरे अरे ये तो यहाँ है. सो ही इज टचिंग लाइक दिस. यस, होता है. टू अवॉइड दिस ये इजी है, राइट? व्हाई दिस इज इजी? बिकॉज यहां पे हम टफ पार्ट पहले सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू द इजी वन एंड we know the exact difference where we want to go. Yes, so hope this is clear to you all. Same, this is my classwork, right? And homework same as CW but with other numbers, right? Okay, goodbye for the day.